ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक बनाना चाहती हो। जी, मगर इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, बिल्डिंग बन जाए तो सरकार से हाई स्कूल की परमिशन भी हम दिला देंगे। जी, हम चाहते हैं कि बिल्डिंग के दो कमरे आपकी तरफ से बनवाए जाएं। बड़ा नेक इरादा है आपका, बनवा दीजिए सेठ जी, बड़े पुण्य का काम है। हाँ हाँ, बोलिए, कितना रुपए चाहिए आपको? जी, यही कोई 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000? जी। अरे, ये लीजिए, इसमें पूरे 50,000 है, और बड़े बड़े अक्षरों में सेठ जी का नाम लिखवा देना। जी जरूर, शुक्रिया सेठ जी। अब ये गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि 7 फेरों के बाद दुनिया की कोई ताकत पति पत्नी को अलग नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। God bless you. खुश रहो। ए, क्यों भाई इतने खामोश क्यों हो? मुझे बार बार भाभी का ख्याल आ रहा है, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। अरे, उन पर जो बीतनी थी वो तो 7 साल पहले बीत चुकी, अब तो बारी तुम्हारी और हमारी है। रंजीत, मैं भैया की मर्जी के खिलाफ घर से भाग कर आई हूं ना, और तुम भैया को अच्छी तरह से जानते हो। वो तुम्हारे भैया है ना, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, वरना हमसे हमारी नम्रता को जुदा करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए हवालात में बंद करवा देते। अरे वाह, ये हुई ना मोहब्बत वाली बात। तुम काम क्यों रही हो? कॉकरोच। अरे वाह, तो हमें शुक्रिया इस काकरोच का अदा करना चाहिए जिसने ये फांसला मिटा दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। अरे बाबा, देख क्या रहे हो, हटाओ ना इसे। आपको पसंद नहीं तो बोलिए, इसे इस कमरे से क्या दुनिया से ही हटा देते। अरे ऐसे मत करना प्लीज, पाप लगेगा। अच्छा, तो इसे अपने सुहागरात का राजदार बनाकर जिंदगी भर साथ रखो। मजाक छोड़ो ना, हटाओ ना इसे। तुम डांटती बहुत हो यार। हाँ डांटती हूँ। काकरोच, बाबा जल्दी करो। एक मिनट बाबा, नम्रता, देर हो रही है। हो गया ना? बस हो गया ना, इसलिए कहती हूँ ये इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर मेरी तरह टीचर बन जाओ। नो टेंशन। अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धार से भरपूर नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? तुम्हें याद नहीं, आज हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, दूसरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन मैं नहीं जानता। हाँ, आज हमारी शादी की खुशी पर कमिश्नर साहब ने डिनर रखा है, सारा डिपार्टमेंट उधर आ रहा है। याद है, मुझे याद है, लेकिन वो 6 बजे है, मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊंगी। बस 5 बजे पहुँच जाऊंगी। नम्रता, माँ जी, माँ जी, नम्रता, पहुँच जाऊंगी ना। ओ नम्रता, नम्रता। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, कौन है तू? पुलिस, पुलिस! ये क्या बदतमीजी है? कौन है तुम? कहाँ ले जा रहे हो हमें?
मुझे छोड़कर उस दो टके के इंस्पेक्टर से शादी कर ली, मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे के हाथ छोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, लो छोड़ दिया, जा जा। कर सकता, तू सिर्फ इंसान पैदा करता है और फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होता है। अगर तू हम जैसे मजबूरों की रक्षा नहीं कर सकता है तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तूने तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे यहां शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब देकर जाऊंगी कि पत्थर की इस मूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। विधि के लिखने वाले विधाता, आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी और अगर तू भगवान है
तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। मुझे मार जाने दीजिए पिताजी, मुझे मार जाने दीजिए। नहीं बेटी, नहीं। खुदकशी पुस्तलों का जेवर है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी को मैं कायरों की मौत नहीं मरने दूंगा। उनके बिना आप मेरे जीवन में घुट घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? तुम्हें घुट घुट कर मरना नहीं है बेटी, बल्कि उन सालिमों को मारकर जीना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर दिया और मेरी बहू को बेइज्जत कर दिया। नहीं पिताजी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। है बेटी, ताकतवर तुम्हें भगवान भोलेनाथ बनाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम्हारे जूतों की आवाज सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती फट जाएगी और तुमसे नजरें मिलाते हुए शेरनी तक अपनी गर्दन झुका लेगी। आओ बेटी, भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा। Congratulations, you have been appointed SP Udaipur. All the best. Thank you, sir. Hey भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जय भोलेनाथ। बीबी जी, जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। आज शिवरात्रि है, ये लीजिए भोलेनाथ का प्रसाद। मजा आ गया, ले तू भी जरा पी ले। कौन मैं? हाँ। ना बाबा ना। हे, आज शिवरात्रि है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। प्रसाद? हाँ। जी नहीं, ये भांग है, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अगर तुम पी लोगी तो मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। सच? ले पी ले। पी लो। जय भोलेनाथ। लो भैया। अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का SP बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ की नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। तुमने इस घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे की? माँ जी, खबरदार जो मुझे माँ जी कह के पुकारा तो निकल यहाँ से। लेकिन मेरी बात सुनी। ये क्या कर रही हो तुम? है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहू के साथ ऐसा सुलूक करती हो? नहीं पिताजी, इनका कसूर नहीं था, मैं ही। बंद कर अपना ये नाटक, आई बड़ी कसूर वाली। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रही तुम? God bless you. Thank you.
नया परेड आपके निरीक्षण के लिए मुस्तैद है। परेड मंसूब रही। सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हेड कांस्टेबल अवतार सिंह को श्रेष्ठ निशानेबाजी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मेरे खिलाफ कड़ा हो रहा था। ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं, ये कानून का अपना एक अंदाज है। चोरी, तेरे पति की लाश पर कानून के सारे अंदाज और खेल खत्म हो गए थे। नहीं विशंबर, खेल तो वहीं से शुरू हुआ था। जो खत्म होगा अब तुम सबके अंत पर, और खत्म करूंगी मैं। अच्छा, तो पति की वर्दी पहनकर तुम मुझे कानूनी अंदाज सिखाने आई हो? और साथ में अरेस्ट वारंट भी लाई हूँ। तुम मुझे गिरफ्तार करोगी? किस हैसियत से और कौन से जुर्म में? इस शहर की एसपी होने की हैसियत से, और इस लाचार नर्स के साथ बलात्कार करने की जुर्म में। चोरी, एसपी हो या डीएसपी, कलेक्टर हो या कमिश्नर, कानून की सारी हस्तियां मेरे आंगन में पलती हैं, और इस छत के नीचे उन तमाम लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं। तेरी तकदीर तो मैं लिखूंगी विशंबर, जेल की दीवारों में। यू आर अंडर अरेस्ट। हंसले हंसले विशंबर, ये तेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल होगी। चलो। कम ऑन। बेईमानी के नकाब तो पहले चेहरे पर चढ़ा रखे हैं, उन नकाबों पर अब और कितने नकाब चढ़ाओगे? छोड़ देना, मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरे बाप को। तुम्हारे बाप को तो अब तुम्हारे बाप का बाप भी नहीं छुड़वा सकता। अरे ओ छोकरी, तुम्हें हमारे हुंडाराज की ताकत का अंदाजा नहीं मालूम। नादान लौंडे, तुझे भी एक एसपी के इन सितारों की ताकत का अंदाजा नहीं। तुम बाप बेटे के सारे सितारे हिला कर न रख दो तो मेरा नाम भी नम्रता सिंह नहीं। इस सड़क पर तेरी हड्डियों के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कोई भी गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो तेरे बाप की लाश यही दफना दूंगी। रुक जाओ। नहीं।
सिंह साहब हैं? जी हाँ। अरे भैया आप? हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी याद आ गई। अच्छा किया, आओ आओ ना। क्या पियोगी, चाय कॉफी? नहीं नहीं ठीक है, पहले ये बताओ तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? हाँ भैया, पर अचानक तुम्हें इस बदनसीब बहन की याद कैसे आ गई? खून का रिश्ता है ना, जज्बात पर काबू नहीं पा सका, और जब मुझे ये खबर मिली कि तुमने बिशंबर जैसे नेता को गिरफ्तार कर लिया तो बेचैन उठा मैं, घबराहट हुई मुझे। ये तुमने अच्छा नहीं किया, देखो बिशंबर एक भला आदमी है, बहुत ही भला आदमी है। तो तुम एक बहन के पास नहीं, एसपी नम्रता सिंह के पास आए हो? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। बिशंबर प्रसाद से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है, वो इस इलाके का सबसे खतरनाक बहुत ही पावरफुल आदमी है, उससे दुश्मनी ठीक नहीं। वाह भैया वाह, तुम मेरे भाई होकर उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने दत्ता बाबू जैसे नेक इंसान का खून किया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने इज्जत नाम का गहना मुझसे छीन लिया। तुम अगर अपनी जिद पर ऐसी अड़ी रही तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पति का हुआ। अंजाम की फिक्र तो वो करते हैं जिन्हें जीने की तमन्ना हो। तुम अपने आप को जिंदगी से मौत की तरफ ले जा रही हो। मौत के बढ़ते हुए साए को जिंदगी रोक नहीं सकती और जिंदगी के बढ़ते हुए कारवां को मौत रोक नहीं सकती। हाँ अगर विशंबर प्रसाद के मैसेंजर ही बनकर आए हो तो मेरा भी एक मैसेज उन तक पहुंचा देना कि नम्रता सिंह की जिंदगी का एक ही मकसद है, विशंबर प्रसाद के खानदान की बर्बादी। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, 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 विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। एसपी नम्रता सिंह मुर्दाबाद, 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 एसपी नम्रता। शांत हो जाएं आप लोग, बिशंबर प्रसाद को छोड़ दो। किसे छोड़ दूं? एक गुनेगार को, एक मासूम नर्स के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारी को छोड़ दूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये है सबूत, उस नर्स का अपने हाथों से लिखा हुआ बयान कि किस बेरहमी से तुम्हारे इस नेता विशंबर प्रसाद ने उसके कपड़े फाड़ कर उसे बेइज्जत कर दिया, उसकी इज्जत छीन ली। झूठ बोलती हैं आप, विशंबर प्रसाद देवता आदमी है। देवता है या राक्षस, इसका फैसला तो अदालत करेगी। जी नहीं, फैसला अदालत नहीं करेगी, फैसला हम करेंगे, फैसला जनता करेगी, फैसला वो नर्स करेगी जिसके बयान के बलबूते पर आप इतना जोर खा रही हैं। ए, बुलाओ उस लड़की को। ए लड़की बताओ इनको, इन सब के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताओ, क्या बिशंबर बाबू ने तुम पर कोई जोर जुल्म, कोई अन्याय, कोई अत्याचार किया है? बताओ इनको। जी नहीं। तो फिर तुमने ऐसा गलत बयान लिखकर क्यों दिया था, बोलो। मुझे डराया, धमकाया और कहा मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो ये मेरा इस इलाके में जीना मुश्किल कर देंगी। नहीं, ये सरासर गलत है। यही सच है। बिशंबर बाबू जिंदाबाद, 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 बिशंबर प्रसाद जिंदाबाद, बिशंबर प्रसाद जिंदाबाद। छोड़ दो इसे। प्रसाद जिंदाबाद, बिशंबर 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 प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद।
विशंबर 550 तो क्या, तू कातलों के कारवां के कारवां मुझ पर उडेल दे, मैं सबकी गर्दन काटकर तेरे घर की दहलीज पर सजा दूंगी। अच्छा, इतना घमंड है इस 5 मीटर के कपड़े पर? ये 5 मीटर का कपड़ा तुझे 2.5 मीटर के कफन में लपेटने के लिए ही पहना है। वाह, जो विशंबर आज तक सारी दुनिया को अपनी दिमागी चालों से मात देता रहा है, तुम उसे मात देने आई हो? इतना बड़ा चैलेंज? मैं चाहूं तो एक ही झटके में तुझे पागल कुत्ते की मौत मार सकती हूं, मगर जिस भोली भाली जनता की नजर में तू देवता का रूप लिए बैठा है, उन्हें तेरी असलियत की ये राक्षस नुमा शक्ल दिखानी है मुझे। तेरे एक एक गुनाह को जनता की आवाज बना दूंगी मैं, तुझे नेता से दर दर का भिखारी बना दूंगी मैं, भिखारी। इंस्पेक्टर करण, ये क्या हो गया तुम्हें? एसपी साहिबा, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। अचानक ट्रांसफर? ये चोटें कैसी लगी तुम्हें? किसने मारा? और कौन हो सकता है, विश्वंभर प्रसाद का बेटा चरण राज। मगर क्यों? क्योंकि मैंने डीएसपी खन्ना और विश्वंभर प्रसाद के खिलाफ आपको बताया था, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। साहब, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। इंस्पेक्टर करण, अगर हम वर्दी वाले ऐसे गुंडों से घबरा कर अपना ट्रांसफर करवाने लगे तो ऐसे बेईमान लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा। ये खाकी वर्दी पहनने के सिर्फ दो ही मतलब हैं, या तो जुल्म को खाक में मिला दो या शहीद होकर खुद खाक में मिल जाओ। इस वक्त चरणराज कहां होगा? साले, पुलिस वालों पर हाथ उठाता है। अरे छोकरी, किस पर हाथ उठा रही है तू? जिसके बाप के एक टेलीफोन पर जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और एक इशारे पर अदालत के फैसले बदल जाते हैं। तेरे बाप के टेलीफोन पर खुलने वाले दरवाजे जेल के नहीं, कोठों के होंगे। तेरे बाप के इशारों पर अदालतों के फैसले नहीं, तवायफों की अदाएं बदलती होंगी। मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हमसे टक्कर लेने का नतीजा, आइंदा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो समझ गई ना? नम्रता, ये क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, जरा सी चोट लगी है। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अच्छी हो। इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा, अभी तो हम सबको मिलकर अपने हिसाब का हिसाब करना है। वाह 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 वाह, मुबारक हो, अस्पताल की खाट
बहुत बहुत मुबारक हो। एसपी साहिबा, समुंदर में जो लहरें उठती है ना, वो भी बहुत शक्तिशाली होती है, आसमान से बातें करती हैं, लेकिन जब वही साहिल पे आकर किसी पत्थर से टकराती है तो बिखर जाती है। इसलिए अगर हम जैसे नेताओं से हिसाब करोगी ना, तो जिंदगी भर इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहोगी। हाँ, और फिर ये तो सिर्फ एक मामूली ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी आपको देखनी है। जय राम जी की। जैसे सिर्फ फिरे पुलिस वालों के साथ पंगा लोगे तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर ही पड़े रह जाओगे। चलो उठ, ये तो एक मामूली सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी तूने देखी कहां है? क्यों, ठीक कही ना? अमृता,
जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले हिंदुस्तान की हर औरत से एक वादा चाहती हूँ कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर जियोगी, वरना ये जालिम भेड़िए हम औरतों को इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। मुझसे वादा करो, वचन दो कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर, मरोगे तो झांसी की रानी बनकर।